नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, उसमें अभी अपने जर्नल कर रहे हैं, उसकी प्रविष्टियां कर रहे हैं। जर्नल की प्रविष्टियां कर रहे हैं तो कुछ एक प्रविष्टियां मैंने आपको करवाई है। अब अपने कुछ ऐसी प्रविष्टियां करते हैं जिसमें बैंक से संबंधी लेन देन होते हैं। कहने का मीन, जैसे ये मान लेते हैं कि बड़े बड़े जो लेन देन होते हैं, ये ऐसे मान लो कि आजकल प्रत्येक व्यापारी कैश के साथ साथ बैंक या चेक से ज़्यादा कार्य करता है, बैंक या चेक से ज़्यादा कार्य करता है। चेक देगा, चेक प्राप्त करेगा, तो इससे क्या होएगा, आपको कैश की जगह बैंक वर्ड का यूज़ करना होता है। यानी जैसे मान लो अपने कोई खर्चा करते हैं, तो खर्चा करते अपने एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अपने क्या करेंगे उस एक्सपेंसेस टू कैश की जगह टू बैंक लिख देंगे। अब बात ये आती है, देखो किसी व्यापारी का जो बैंक में अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है। अगर वह व्यक्ति, वह व्यापारी अगर मान लो बैंक में सेविंग अकाउंट खोलता है या फिर फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाता है, तो उसके लिए आप बैंक वर्ड का उपयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब, क्वेश्चन में जहाँ पर भी बैंक वर्ड का यूज़ हुआ है उसका मतलब वो कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है। यानी जब भी बैंक वर्ड का यूज़ हुआ है तो वो कौन सा अकाउंट होएगा, वो अकाउंट होएगा करंट अकाउंट, न कि सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट। अगर मान लो क्वेश्चन में कई बार ऐसा रहता है कि व्यापारी ने बैंक में रुपये जमा करवाए, ये ऐसे कर दो आ जाए, चालू खाते में रुपए जमा करवाए, तो एक ही बात है, वो एंट्री सेम बनेगी। अगर मान लो बैंक में रुपए जमा कराए तो भी बैंक टू कैश बनेगी, अगर मान लो उसने बैंक में रुपए जमा करवाए लेकिन सेविंग अकाउंट में करवाए हैं तो फिर उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट टू कैश लिखना पड़ेगा। यानी बैंक में रुपये जमा कराए तो बैंक टू कैश, करंट अकाउंट में जमा कराए तो बैंक टू कैश, लेकिन ऐसा आ जाए कि सेविंग अकाउंट में जमा कराए तो वहाँ पर आपको एंट्री बैंक टू कैश नहीं कर सकते, सेविंग अकाउंट टू कैश कर सकते हैं। क्योंकि व्यापारी द्वारा जो बैंक में अपने बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है वो अकाउंट होता है करंट अकाउंट, चालू खाता। यानी चालू खाता एक ऐसा खाता है जिसमें व्यापारी दिन में कितनी बार पैसे निकाल सकता है या फिर कितनी बार जमा करवा सकता है। बैंक इस पर ब्याज देने के बजाय बैंक हमसे कलेक्शन करती है बैंक चार्ज का, तो बैंक चार्ज का कलेक्शन करती है। अब अपने इससे रिलेटेड कुछ प्रविष्टियां करते हैं। देखो सबसे पहले बैंक में रुपए जमा, देखो क्वेश्चन में ऐसा आ जाए बैंक में रुपए जमा करवाए, या ऐसे आ जाए कि बैंक में चालू खाता खोला, दोनों की प्रविष्टि आपको सेम ही माननी है, बैंक में रुपये जमा करवाए हैं और कौन से खाते में करवाए हैं, करंट अकाउंट में। ये नहीं मान सकते सेविंग में करवाए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में करवाने से आप वहाँ सेविंग अकाउंट टू कैश लिखोगे, ठीक है। तो बैंक में रुपए जमा करवाएंगे तो पहले ये देखो यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट प्रभावित हुआ है। एक तो हमने बैंक में रुपए जमा करवाए तो बैंक यहाँ पर व्यक्तिगत खाता है, चाहे बैंक हो कोई फर्म हो, ये व्यक्तिगत खाते होते हैं। अब बैंक में रुपए जमा करवाए तो यहाँ पर पाने वाला कौन हुआ, बैंक। तो व्यक्तिगत खाते से क्या नियम था, पाने वाले को डेबिट करो, तो बैंक को तो क्या कर देंगे अपने, डेबिट कर देंगे। लेकिन जब बैंक में रुपए जमा करवाएंगे तो जाएगा क्या, कैश। तो कैश अपना वस्तुगत खाता है, तो वस्तुगत खाते का क्या रोल होता है कि जो वस्तु बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस से तो कैश गया ही है, तो आप कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो बैंक में राशि जमा करवाने पर या फिर बैंक में चालू खाता खोलने पर आपको क्या प्रविष्टि करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक संबंधी लेन देन पहला इसमें है, यानी उसी से आगे एंट्रियाँ चल रही है, मान लो तो ये हो गया अपना बैंक में चालू खाता
यानी करंट अकाउंट खोलने पर। बैंक में चालू खाता खोलने पर, या इसको ऐसे बोलते हैं, अथवा इस लाइन को ऐसे भी बोला जाता है, बैंक से बैंक में राशि जमा करवाने पर। बैंक में राशि जमा करवाने पर, अब बैंक में चालू खाता खोलने पर अथवा बैंक में राशि जमा कराने पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को, क्योंकि यहाँ पर पाने वाला कौन हो गया, बैंक, और गया क्या, कैश, तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेशन करेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में क्या है, अपनी राशि जमा करवाई है, राशि है वो डिपॉजिट करवाई है। तो जब बैंक में चालू खाता खोला, इसके रिलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, बीइंग ओपन एन अकाउंट करंट अकाउंट, यानी बैंक में क्या किया, हमने चालू खाता खोला। जब बैंक में राशि जमा करवाई जाती है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मान लो बैंक से राशि निकाली भी जा सकती है, अब बैंक से जब राशि निकालते हैं तो दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो व्यापार के लिए, एक अपने पर्सनल यूज के लिए, या तो अपने क्या करें उसे व्यापार के लिए निकालें, या फिर उसे क्या करें अपने पर्सनल यूज के लिए निकालें। जब व्यापार के लिए निकालते हैं तो इससे जस्ट उल्टी एंट्री होती है, ये माना जाता है बिजनेस में पैसे आए हैं, और बिजनेस में जब पैसे आते हैं तो डेबिट किसको करते हैं, अपने कैश को करते हैं। जब बिजनेस में पैसे आते हैं तो डेबिट किसको करते हैं, कैश को, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश तो आया बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और आया कहाँ से, देने वाला कौन है, बैंक, तो टू बैंक अकाउंट करेंगे, उसके लिए क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक बैंक से राशि निकालने पर, तो दो प्रकार से निकाली जाती है, इसके अंदर नंबर एक है व्यापारिक उपयोग के लिए, तो व्यापारिक उपयोग के लिए निकालें तो इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, बिजनेस में आया क्या, कैश, एंट्री करेंगे अपने कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन, बैंक, चाहे क्वेश्चन में बैंक का नाम नहीं दे रखा हो, जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक दे दिया, SBI दे दिया, या अदर कोई भी नाम दे दिया, तो आपको एंट्री में उस बैंक का नाम नहीं लिखना, सीधा ही बैंक लिखना है, कौन सी बैंक में जमा करवाया या कौन सी बैंक से निकाला, वो आप नरेशन में दे सकते हो, लेकिन आप एंट्री में सिर्फ क्या लिखोगे, बैंक ही लिखोगे। तो व्यापारिक उपयोग के लिए जब पैसे निकालते तो उसकी एंट्री थे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन होएगा बीइंग कैश विदड्रॉन, फॉर बिजनेस यूज, अच्छा हो तो इतना का, तो बीइंग कैश विदड्रॉन तो भी उसका मतलब ऐसे माना जाएगा कि बिजनेस यूज के लिए ही निकाला है। तो बैंक में जब राशि जमा करवाई जाएगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बैंक से जब राशि निकाली जाएगी तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा,
कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो कई बार ये होता है कि अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए भी अपने क्या करते हैं, बैंक से अमाउंट निकालते हैं। जब पर्सनल यूज़ के निकालते हैं तो उसमें आप कैश टू बैंक नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में कैश आ नहीं रहा। कैश तो आ रहा है बैंक से, लेकिन वो जा कहाँ पर रहा है, वो निजी उपयोग के लिए नहीं, घर पर जा रहा है। तो घर पे जब अपने बिजनेस ले जाते हैं बिजनेस से, तो उसमें आप डेबिट किसको करते हो, ड्राइंग को करते हो। जब आप पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकालोगे, तो जब पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकालोगे तो उसकी एंट्री आपकी क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी, क्योंकि देने वाला तो बैंक ही है, लेकिन यूज़ बिजनेस में नहीं हुआ। वो बिजनेस में आती है वो चीज़ अपने डेबिट करते हैं, तो बिजनेस में तो इसमें मान लो कुछ नहीं आया, लेकिन पैसा वो बिजनेस का ही था बैंक में, ये मान लो। तो इसमें क्या करेंगे अपने कि डेबिट तो किसको करना है, ड्राइंग को ही करना है, लेकिन क्रेडिट किसको करोगे, बैंक को करोगे। निजी उपयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर निजी उपयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो निजी उपयोग के लिए बैंक से राशि निकालेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, निकालने कहाँ से, बैंक से टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट तो किसको करेंगे, ड्राइंग को, और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को। नरेशन इसका होगा बीइंग कैश withdrawn from bank for personal use, being cash withdrawn from bank, निकाला बैंक से और किसके लिए निकाला है, वो पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो क्या लिखोगे, फॉर पर्सनल यूज। तो देखो जब बैंक में राशि जमा करवाई तो एंट्री बनी अपनी बैंक टू कैश, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर मान लो हमने बैंक से राशि निकाली, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक से राशि हमने किस लिए निकाली है, बिजनेस यूज़ के लिए निकाली है या फिर पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है। अगर बिजनेस यूज़ के लिए निकाले तो उसकी एंट्री होगी कैश टू बैंक, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले तो उसकी ड्राइंग टू बैंक। अब इससे आगे देखो कि अपने खर्चे करते हैं, या ऐसे मान लो माल खरीदा, अपने जब माल परचेज करते हैं और माल परचेज करते हैं और पेमेंट अपने कैश करते हैं, तो अपने एंट्री उसकी क्या कर देते हैं, जब परचेज को तो डेबिट करते ही करते हैं और टू कैश कर देते हैं, तो उसकी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कब बनती है ऐसी, जब अपने माल परचेज करते हैं और उसे क्या करते हैं, पेमेंट किससे करते हैं, कैश करते हैं, तो उसकी एंट्री अपनी बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब अपने पेमेंट चेक से करते हैं, ऐसे आ जाए कि पेमेंट चेक से किया, तो माल तो नगद ही खरीदा है, तो देखो माल तो जब खरीदा है तो परचेज तो आपको डेबिट करना ही करना है, तो उसकी एंट्री क्या करोगे आप, डेबिट तो किसको करोगे, परचेज को करोगे, डेबिट तो किसको करोगे, परचेज को करोगे, लेकिन टू कैश नहीं लिखोगे, वहाँ पर टू बैंक लिखोगे। तो जब आप माल नगद खरीद रहे हो, है नगद ही वो, लेकिन पेमेंट किससे कर रहे हो आप, चेक से कर रहे हो, तो चेक से पेमेंट करना भी क्या हो गया, वो नगदी हो गया, तो उसकी एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक करनी पड़ेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो माल क्रय करके
जैक द्वारा भुगतान करने पर, माल क्रय करके चेक द्वारा भुगतान करने पर, यानी माल क्रय कर लिया और भुगतान है वो किससे कर दिया, चेक से कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो माल क्रय किया तो डेबिट तो किसको करना है, परचेज को करना ही करना है, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या लिख दोगे, बैंक। यानी ऐसे ऐसे चेक से भुगतान किया तो टू चेक नहीं करते, क्या करते अपने, टू बैंक करते हैं। तो माल करके क्रय करके चेक द्वारा जब भुगतान करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक होएगी। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, कि हमने माल खरीदा और उसे चेक से भुगतान कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या बनी, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, यानी माल खरीदा और भुगतान है वो चेक से कर दिया, ठीक है। तो ये किसकी एंट्री होगी, माल खरीदा और भुगतान चेक से कर दिया। कई बार ऐसा होता है माल उधार खरीदा, पहले तो हमने माल उधार खरीदा और बाद में क्या किया, उस क्रेडिटर को पेमेंट किया तो चेक से कर दिया, तो फिर वो एंट्री हो जाएगी। अपने क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो पाने वाला वहाँ पर कौन होएगा, क्रेडिटर होएगा, पाने वाला क्रेडिटर होएगा, तो वहाँ पर आप एंट्री करोगे। तो परचेज टू बैंक तो पहले फिलहाल कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार तो माल आपने उधार ही खरीदा है, तो परचेज टू क्रेडिटर कर चुके हो पहले आप उसे अब क्रेडिटर को क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो क्रेडिटर टू बैंक करोगे, यानी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब लेनदारों को बाद में भुगतान करोगे तो उसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक द्वारा लेनदारों को भुगतान करने पर चेक द्वारा लेनदारों को भुगतान करने पर, अब लेनदारों को क्या कर दिया, चेक द्वारा भुगतान कर दिया, तो पाने वाले यहाँ पे क्रेडिटर हुए, क्रेडिटर को तो डेबिट करूँगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, चेक द्वारा लेनदारों को जब भुगतान करेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू किससे भुगतान किया, चेक से, तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। कि जब चेक द्वारा लेनदारों को भुगतान करोगे तो उसकी एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर टू बैंक करोगे, क्या लिखोगे, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय चेक, कि क्या करेंगे, पेमेंट मेड किया है क्रेडिटर को, लेकिन किससे किया, चेक से किया। तो देखो अगर बैंक में चालू खाता खोला तो बैंक टू कैश, अगर बैंक से राशि निकाली व्यापार के लिए तो कैश टू बैंक, और पर्सनल निकाली तो ड्राइंग टू बैंक, और माल नगद क्रय किया लेकिन भुगतान किससे कर दिया, चेक से, तो एंट्री क्या बनी अपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले माल उधार खरीदा था लेकिन अब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं,
चेक्स, ये प्रोक्रेटर टू बैंक। अब इसी तरह से ये मान लेते हैं कोई एक्सपेंसेस पे किया, तो एक्सपेंसेस पे करेंगे तो एक्सपेंसेस टू बैंक कर देंगे। जब कोई आप एक्सपेंसेस पे करोगे तो उसमें क्या करोगे, मान लो सैलरी चुकाई तो सैलरी टू बैंक जब आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो इतने तो हो गए जब पेमेंट वाले खर्चे। अब देखो अपने जब चेक रिसीव करते हैं, अब मान लो हमने किसी को माल बेचा, उसने हमें क्या कर दिया, चेक दे दिया। जब चेक प्राप्त किया जाता है तो उसमें आपको सिचुएशन देखनी पड़ती है। अगर चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया तो ठीक है, आप वहाँ पर बैंक लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो चेक को उसी दिन बैंक में जमा न करवा कर, उसी दिन तो हमने चेक प्राप्त कर लिया, लेकिन उस चेक को उस दिन तो क्या किया अपने पास रखा, अगले दिन या दो दिनों के बाद उसे बैंक में जमा करवाया, तो जब हम उसे प्राप्त करेंगे तो उसे बैंक नहीं लिख सकते, उसे आपको कैसी लिखना पड़ेगा। जब आप उसे बैंक में जमा करवाओगे तब आप ये मानोगे कि आपने बैंक में कैश जमा करवाया है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने उसे प्राप्त किया था तो आपने उसे बैंक नहीं माना, आपने उसे कैश ही माना है। कब करना है ऐसा? ऐसा जब करना है जब आप किसी व्यक्ति से चेक प्राप्त करते हो, चाहे वो माल नगद बेचने पर प्राप्त करो, चाहे वो कोई इनकम के प्राप्त करो, या फिर किसी देनदार से प्राप्त करो। जब आप चेक प्राप्त करोगे तो पहले आपको ये देखना है कि क्या आपने उसे उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। अगर बैंक में जमा करा दिया जाए तो बैंक टू उसका नाम लिखोगे जिससे प्राप्त किया है, और जमा नहीं करवाया तो आपको डेबिट है वो कैश को करना है, ठीक है। माल का विक्रय करके भुगतान में चेक प्राप्त करने पर माल का विक्रय करके भुगतान में चेक प्राप्त करने पर, इन माल बेच दिया और भुगतान में क्या कर लिया, चेक प्राप्त कर लिया। तो जब चेक प्राप्त करेंगे तो इसमें देखो दो बातें हैं। यदि चेक उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया यदि चेक उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया तो आप उसे बैंक ही लिखोगे। क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू माल बेचा सेल्स अकाउंट। ये मैंने आपको बताई थी सेल्स वाली एंट्री, नगद बेचते हैं तो कैश टू सेल्स होगी, यहाँ पर बेचा तो नगद ही है लेकिन भुगतान कैश प्राप्त न करके चेक से किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ गया। नरेशन इसका होएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, बीइंग गुड सोल्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, कि हमने क्या किया, चेक प्राप्त किया सेल्स के बदले और उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। अब मान लो ये भी मान सकते हैं कि हमने उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया, यदि चेक उसी दिन
बैंक में जमा नहीं करवाया। यदि चेक को उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया गया, तो जब बैंक में उसी दिन जमा नहीं करवाया तो आप जिस दिन उसे प्राप्त करोगे उसे चेक नहीं मानोगे, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, कैश मानना पड़ेगा। आप उसे क्या करोगे, कैश मानोगे। तो आप ये मान लेना वहाँ पर आपने चेक प्राप्त नहीं किया, कैश प्राप्त किया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, दोनों में चाहे सेम लिख देना ये। कि चेक प्राप्त किया लेकिन उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया, तो आपको उसे क्या मानना है, कैश मानना है। अब देखो बैंक में जमा नहीं करवाया तो कैश मानना, जमा करा दिया तो बैंक मान लिया। मान लो हमने उसे बैंक में जमा नहीं करवाया, अब जमा नहीं करवाने का मतलब ये कहते नहीं है भी उसे घर पे रखेंगे, कभी तो उसे जमा करवाएंगे ही। जब उसे हमने प्राप्त किया तो हमने उसे कैश टू सेल्स कर दिया, फिलहाल हमने उसे कैश माना, लेकिन बाद में उस चेक को बैंक में जमा तो करवाना ही पड़ेगा। जब आप उसे बैंक में जमा करवाओगे तो आप उसे क्या मानोगे कि आपने बैंक में कैश ही जमा करवाया है, क्योंकि आपने उसे पहले कैश माना है। कि जब आपने उसे प्राप्त किया तो उसे क्या मानना है, आपने उसे कैश मानना है, तो आप ये मान लो कि आप बाद में कैश ही जमा करवा रहे हो। उस चेक को बाद में किसी दिन बैंक में जमा करवाने पर तो बैंक में जब राशि जमा कराते हैं, अब उसने पहले कैश मान लिया तो ये माने भी बैंक में क्या जमा करा, हमने कैश करवाया है। और जब कैश को बैंक में जमा कराते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी हमने क्या किया, कराया तो चेक है बैंक में जमा, लेकिन मानेंगे उसे क्या कि हमने कैश ही कराया है। लिखना आप कंडीशन में ये पड़ेगा बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, ये एंट्री होएगी। तो यदि चेक उसी माल नगद बेचा, चेक प्राप्त किया, उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो सीधी एंट्री कर दो बैंक टू कैश। अगर आपने उसे उसी दिन जमा करा दिया तो बैंक टू कैश, अगर मान लो आपने बैंक टू सेल्स, अगर आपने उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया तो कैश टू, यानी कैश मान के उसे कैश टू सेल्स कर देंगे। उस चेक को बाद में किसी दिन जमा करवा दिया, उस दिन तो हमने जमा नहीं करवाया लेकिन बाद में किसी दिन जमा करवा दिया, तो जब पहले हमने उसे कैश माना था जिस दिन प्राप्त किया और बाद में जमा करवा दिया, तो इसका मतलब आपने कैश ही जमा करवाया है, तो उसकी एंट्री बैंक टू कैश हो जाएगी। इसी तरह अन्य जैसे देनदार से रुपये प्राप्त किए तो वो उस देख लेना, अगर बैंक में जमा कराया तो बैंक टू डेटर कर देना, नहीं कैश टू डेटर कर देना, और बाद में से बैंक में जमा कराओ जब बैंक टू कैश कर देना। इसी तरह अदर को इनकम प्राप्त करो, इनकम प्राप्त करते तो अपने कैश टू इनकम करते हैं, वहाँ पर अगर बैंक चेक प्राप्त किया और बैंक में जमा करा दिया तो बैंक टू इनकम कर देना, और अगर आपने उसे बैंक में जमा नहीं करवाया तो कैश टू इनकम कर देना, और बाद में जब उसे जमा कराओ तो बैंक टू कैश कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी कुछ एक एंट्रियाँ हैं जो अपने कल करेंगे, और शायद कल ये अपनी एंट्रियाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद।